यो यूट्यूब, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। पठान मूवी का ट्रेलर जो रिलीज हुआ है, बेसिकली उसके बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे। मेरी जो एक्सपेक्टेशंस है, बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी कि बहुत बड़ी मूवी होने वाली है। यशराज की जो इस साल रिलीज हुई तीन मूवीज थी बड़ी बड़ी, जयस भाई जोरदार, शमशेरा और जो पृथ्वीराज थी, वो बॉक्स ऑफिस पे इतनी बुरी तरह से पिटी है। इसके कारण जो पठान से जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है, और बेसिकली ना बादशाह ऑफ द बॉलीवुड लाइक कि शाहरुख खान इस मूवी के अंदर आ रहे हैं। 2018 में जीरो मूवी रिलीज होने के बाद उनकी कोई भी ऐसी मेजर मूवी रिलीज नहीं हुई थी। हाँ, कुछ कैमियो में आए थे जैसे कि रॉकेटरी या फिर ब्रह्मास्त्र, बेसिक ऐसी जो मूवीज थी उनके अंदर गेस्ट अपीयरेंसेस के अंदर वो आए थे। अब वो आने के बाद भी उन लोगों को बहुत सेटिस्फेक्शन नहीं था, उनको मेजर शाहरुख खान की मूवी देखनी थी। और मेरी भी काफी एक्सपेक्टेशंस थी, दिलवाले दुल्हन ले जाएंगे मेरी वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से आती है, तो मेरी भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। बट इसका ट्रेलर देखने के बाद जो मेरे व्यूज हैं, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो हाइप्ड अप नहीं हुई है, उल्टा कम ही हो गई है। स्टार्टिंग जब ट्रेलर शुरू होता भी है तो शाहरुख खान का जो ना इंट्रोडक्शन किया गया है और जिस तरह से पठान दिखाता है, फिर फ्लाइंग किक मारता है, वहां तक तो ठीक था। उसके बाद से जो भी उन्हें सीन के ऊपर सीन डाला गया है, जो VFX यूज किया गया है, जो VFX की क्वालिटी है, भाई कितनी बार हम लोग कह चुके हैं कि VFX यदि आपको डालना ही है तो या तो आप अच्छी कंपनीज को देकर उसको अच्छी तरह से डेवलप करवाइए, क्योंकि साउथ इंडियन मूवीज कर रही हैं, अच्छा VFX यूज कर रही हैं। RRR जो मूवी का VFX किया हुआ है वो साउथ का ही है, जिसने की RRR के VFX को क्रिएट किया हुआ है। तो जिसके पास टैलेंट है उन लोगों को खोजिए, आपके पास इतने भरे भरे टैलेंट है और एग्जाम्पल्स है। और ऐसा नहीं है कि कोई मूवीज के अंदर अच्छे अच्छे VFX नहीं आ रहे हैं, तो उसको आप यूज कर सकते हो। बट जिस तरह से VFX डाला गया है वो डिसअपॉइंट करता है। बेसिकली इसके अंदर जो एक्शन सिक्वेंसेस है, बहुत सारी मूवीज के ना यदि कंपैरिजन करोगे, जो कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर, या फिर आप डाई अनदर डे, या F9 फास्ट एंड फ्यूरियस 9, या फिर जो मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट है, या फिर साहू मूवी का वहां तक का जो एक्शन सीक्वेंसेस है, जो पीसेस है, वो ट्रेलर के अंदर पूरी मूवी के लेंथ के अंदर के जो एक्शन सीक्वेंसेस होने वाले हैं उनका जो बिट्स एंड पीसेस दिखाया हुआ है वो उनसे मिले जुले हैं। भाई ट्विटर पे लोगों ने पकड़ लिया है कि एक्शन सीक्वेंसेस मिल रहे हैं, जो कि मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। तो गाइस यहाँ पे ना इनकी जो कॉपिंग की आदत है जो बॉलीवुड की, वो अभी तक नहीं गई है यार। एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक नया चीज क्रिएट कर रहे हो आप, बादशाह बॉलीवुड लेके आ रहे हो। जो आपका स्पायवर्स है, बेसिकली वॉर हो गया, सिद्धार्थ आनंद जो वॉर पिक्चर बनाया, जो बेसिकली इन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था ऋतिक रोशन के साथ, वो फाइटर मूवी बना रहे हैं और ये मूवी बना रहे हैं, और उनकी बहुत सारी टाइगर जिंदा थी वहां से 10 साल से ये लोग स्पायवर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब बना रहे हो तो सीरियस काम करिए ना, आप इतना अच्छा प्रोडक्ट लेके आइए सबके सामने, ताकि जो ट्रेलर देखने के बाद ही जो ऑडियंस है वो डिसअपॉइंट ना हो जाए। वो RRR का ट्रेलर देखने के बाद जिस तरह से हाइप्ड अप हो गई थी, जिस तरह से अवतार का ट्रेलर, जिसका मैं आपको रिव्यू शेयर कर रहा हूं, बेसिकली उसको देख के गूज़बम्प्स आ गया था। जो अवतार 2 का आपने ट्रेलर देखा था, उसकी जो बैकग्राउंड म्यूजिक थी, जिस तरह से नावी लोग लड़ते हैं पेंडोरा में, वो देखने लायक था भाई। उस ट्रेलर देखने के बाद मुझे गूज़बम्प्स आ गए थे। तो गाइस उस तरह का लेवल होना चाहिए। शाहरुख खान का इंट्रोडक्शन अच्छा है, मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में ही दिखा देने वाले हैं लोग, और उसके बाद से फिर जिस तरह से हर एक जो स्पाइवर्स में होता है, एक जो लेसर हीरो होता है वो विलन रहेगा, जैसे कि जॉन अब्राहिम वो विलन का काम करेगा, एंटी हीरो काम करेगा, फिर बाद में एक मेन विलन रहेगा उसके साथ, उनको दोनों मिलकर लड़ेंगे, या फिर वो दोनों एक साथ भिड़ेंगे, फिर बाद में एक जो मेन अपोनेंट रहेगा उसके साथ दोनों मिलकर, जैसे कि वॉर में हुआ था ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के साथ जो मूवी बनाई थी। तो आप जब क्रिएट कर रहे हो तो उसके अंदर उस तरह की चीजें डालिए, उस तरह की जो मटेरियल डालिए, उस तरह का VFX डालिए, उस तरह की स्टोरी होनी चाहिए, और उसके ऊपर आपको कोई बकचोदी नहीं होनी चाहिए कि कोई भी भाई आके कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए कि सारे जितने भी ट्विटर पे लोग है ना उसके खिलाफ ना एक तरह से बायकॉट का ट्रेंड चला दे। और डेफिनेटली शाहरुख खान के और YRF के साथ जो यशराज प्रोडक्शंस है उसके खिलाफ बहुत सारी मूवीज के अंदर जो स्टार्स है वो मूवी करने के बाद एक ना एक कोई ऐसा टिप्पणी कर देता है, या मूवी के अंदर ही ऐसी कोई ऐसी बात होती है जो लोगों को ट्रिगर कर जाती है और लोग उसके खिलाफ काफी भड़क जाते हैं। जयस भाई जोरदार में था, पृथ्वीराज में था, शमशेरा में था, तो ये चीजें आप क्यों दिखाते हो यार? शमशेरा में आप संजय दत्त का जो रोल था, जिस तरह से उसको पोर्ट्रेट किया गया था, उस तरह की चीज दिखाओगे तो लोग बायकॉट तो करेंगे करेंगे। और बेसिकली यही जो पठान के ऊपर भी हो रहा है कि पठान को भी हम लोग बायकॉट करके रहे, तो क्या रीजन है वो तो बाद में क्लियर होएगा, लेकिन मूवी के अंदर जिस चीज तुमने डाला जो उनको ट्रिगर कर गया, उनको चांस मिल गया, तो भाई ये मूवी का भी बायकॉट हो सकता है। और इसके जो मैंने ट्रेलर देखा है मुझे ज्यादा इंप्रेस नहीं करते हैं। तो गाइस जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो जो हाई थी ना वो लो हो चुकी है। यहाँ पर बहुत सारी मूवीज का कॉपी किया गया है, बॉलीवुड वाले सुधर नहीं सकते, उनको ओरिजिनल मटेरियल नहीं मिल सकता। गाइस प्लीज साउथ इंडियंस के जो अच्छे डायरेक्टर्स उनको हायर करिए, राइटर्स हायर करिए, थोड़ा टाइम डिवोट करिए यार। पैसा डाल के कॉपी करके अब चूतिया नहीं बना सकते आपको,
जितने भी आपके व्यूवर्स है ना, सब ने तो व्यूवर्स नाम ना साउथ इंडियन मूवी देखने के आदि हो चुके हैं। कंटारा जैसी मूवी भाई क्या कमा रही है, तुम्हारे राम सेतु जैसी मूवी को उसके ऊपर ओवरशैडो कर गई वो मूवी, तो डेफिनेटली आपको सोचना पड़ेगा। तो गाइस जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो म्यूटेड ही है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो पॉजिटिवली यू नो सरप्राइज कर दे भाई, लेकिन मुझे चांसेस बहुत कम लगते हैं, मेरी एक्सपेक्टेशन अब म्यूटेड हो चुकी है। और बेसिकली पठान जो मूवी है ये 2023 में रिलीज होने वाली है, जो अवतार मूवी है 16 दिसंबर 2022 को रिलीज होने वाली है। तो गाइस आप लोग से ऐसी ट्रेलर मूवी सीरीज या ट्रेलर के रिव्यू के और या एक्सपेक्टेशंस या जो मेरे इंप्रेशंस है आपसे शेयर करते रहूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे और भी चैनल्स हैं मैंग सिंह टेक बिट्स और गेमिंग, सब्सक्राइब करिए। तो गाइस मिलता हूं मैं आप लोग से नेक्स्ट मूवी सीरीज या ट्रेलर के रिव्यू में। बाय।